वीडियो में बात करेंगे कि लेट को कैसे करें, लेट को है क्या एंड कब करना है लेट को, ठीक है। मैं आपको जो भी इस वीडियो में अभी बता रही हूँ वो मेरे खुद का जो ओपिनियन है वो शेयर करूँगी, जिससे मुझे हेल्प मिली है, बहुत लोगों को हेल्प मिली है, डेफिनेटली आपको भी हेल्प मिली, ठीक है। तो लेट को है क्या, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत बार ऐसा कहा गया है कि लेट को मीन्स के रिलीज ऑल योर डाउट्स, जो भी आपके डिजायर्स के रिलेटेड डाउट्स हैं, फियर्स हैं, डेस्परेशन है, जो भी है उसको रिलीज करो, ओके। एक हद तक ये सही है कि यस ऐसा होता है, लेकिन द रियल मीनिंग इज दैट कि जब आप लेट को करते हो दैट मीन्स फॉरगेट अबाउट इट, अपने डिजायर को भूल जाओ। अगर आप अपने डिजायर को भूल जाएंगे तो उससे रिलेटेड जो भी अनवांटेड फीलिंग्स हैं, जो डेस्परेशन, डाउट्स, यू नो, फियर्स, जो भी है, वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, वो भी रिमूव हो जाएंगे, राइट। एंड आप अपने डिजायर को भूल रहे हो दैट मीन्स कि आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हो देन इट डजंट मीन कि आपने गिव अप किया है, इट मीन्स कि आपने सरेंडर किया है, आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के ऊपर, ओके, कि ओके माय जॉब इज डन, अब आपकी बारी है, नाउ इट्स योर जॉब। तो जब आप अपने डिजायर के बारे में सोचते ही रहोगे तो लेट को कैसे होगा, अगर अपने डिजायर्स के रिलेटेड जो भी फियर्स, डाउट्स है उसको रिलीज करना है तो क्या कैसे करेंगे। एक ही तरीका है कि आप अपने डिजायर के बारे में सोचना बंद कर दो, जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा इस चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, किसको, डाउट्स को, फियर्स को, ये वगैरह को, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप सोचते रहेंगे ओवरथिंकिंग चलती रहेगी, तो ओवरथिंकिंग क्या करती है, ओवरथिंकिंग लीड्स टू नेगेटिविटी, राइट। तो एक ही वन एंड ओनली बेस्ट वे यही है कि आप उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो, दैट मीन्स के फॉरगेट अबाउट इट। तो अगर आप अपने डिजायर को भूल जाएंगे तो लेट गो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आप डिटैच्ड हो जाएंगे एंड यू नो सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि लेट को करना कब है। अब देखिए ये टोटली आपके ऊपर है, जितना रूल्स को फॉलो करेंगे ना तो आप उसमें यू नो हम पागल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। एकदम से रूल्स को या टेक्निक्स को पकड़ के नहीं चलना है, एकदम फ्री होके ये चीज़ करनी है, ठीक है। मान लीजिए अभी आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी यू नो किसी गोल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड अगर इस वक्त आप उस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को एन्जॉय कर रहे हो, ठीक है, अगर आप यू नो कोई भी रिचुअल को फॉलो कर रहे हो, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसको मजा, मतलब आपको मजा आ रहा है, आपको पॉजिटिव फील हो रहा है, देन यू जस्ट यू नो कीप गोइंग। लेकिन अगर आपको इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि यू नो डेस्परेशन बढ़ रही है और पेशेंस का खत्म हो रहा है, देन दिस इज द हाई टाइम टू लेट इट गो, ठीक है। तो ये आप फिगर आउट कीजिए कि आप इस वक्त कौन सी सिचुएशन में हो। अगर आपको बहुत मजा आ रहा है, आप एकदम कूल हो यार कि नहीं नहीं ठीक है अभी टाइम बहुत हुआ है, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ लेकिन स्टिल आई एम एंजॉइंग इट, देन आपको कोई इतनी नीड नहीं है कि आपको लेट गो करना ही करना है। लेकिन अगर आप यू नो इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको अब नेगेटिव ही फील हो रहा है ज़्यादातर, तो यू नो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट लेट इट गो, ठीक है। दूसरी चीज़, लेट गो कोई यू नो ये कोई ऑन एंड ऑफ स्विच नहीं है कि एकदम से ऑन एंड ऑफ हो गया, मतलब कि एकदम से डिटैचमेंट हो गया, एकदम से कुछ भी नहीं, मतलब एक पल में हम अपने डिजायर को भूल नहीं सकते। दिस इज जर्नी, ये एक प्रोसेस है, ये एक लॉन्ग प्रैक्टिस है जो आपको करनी है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे उस डिटैचमेंट के लेवल तक पहुँच पाएंगे। सो आप घबराना मत या चिंता मत करना कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कि लेट गो करने में बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है लोगों को, मुझे भी हुई थी एंड कभी कभी हो जाती है, लेकिन स्टिल आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ अपने डिज़ायर को भूलना है और इस चीज़ को धीरे 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 प्रैक्टिस करना है और आप उस लेवल तक ज़रूर पहुँचेंगे। और आपको क्या करना होगा इसके लिए, दूसरे डिज़ायर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए एंड जो भी आपकी ब्लेसिंग्स है लाइफ में उसको काउंट कीजिए, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए एंड धीरे धीरे वो चीज़ ईजी हो जाएगी। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगेगी लेकिन बाद में वो ईजी हो जाएगी, है ना। और ये भी चीज़ एक समझिए कि जैसे कि आपको इस वक्त वो डिफ़िकल्ट लगता है कि यार मैं अपने डिज़ायर को कैसे छोड़ दूँ, लेकिन आप अगर ऐसा सोचेंगे ना कि ये जो इस वक्त आप कर रहे हो ना वो फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप अपने डिज़ायर को टेम्प्ररी भूल रहे हो ना तो वो फ्यूचर में यू नो परमानेंट आपकी लाइफ में आएगा, ये समझ के चलो,
कि इस वक्त मैं इसको ये कर रही हूँ तो मुझे फ़ायदा मिलेगा इससे, और अगर इस वक्त आप उसको जकड़ के पकड़ के रखे हो तो बाद में वो क्या होगा, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। तो टेम्पररी उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो एकदम से, फिर वो परमानेंटली आपकी लाइफ में आएगा। सो ऐसा सोच के लेट गो करने की ट्राई करो, डेफिनेटली आप कर पाओगे। ठीक है, तो बस यही एक चीज़ थी जो आपको समझाना चाहती थी। कोई भी डिज़ायर हो आप इसी कॉन्सेप्ट को उसमें लगाओ, वो फिर कोई इंसान हो, कोई ड्रीम हो, कोई मटीरियल थिंग्स हो, जो भी हो आपकी लाइफ में, तो इस तरह से उसको आप समझने की ट्राई करो, उस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करो और प्रैक्टिस करो लेट गो को। ठीक है, अगर आपको यू नो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो आप खुद फिगर आउट कीजिए, आपको कितनी ज़रूरत है लेट गो करने की, आपको क्या करना है आगे, ये आप खुद समझ पाएंगे, उसको ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, राइट। एंड डेफिनेटली इस चीज़ को आप अगर अच्छे से ट्राई करेंगे तो ये पूरी जर्नी ईजी हो जाएगी और मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, सो टेम्पररी फॉरगेट अबाउट इट एंड जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, है ना। एंड डेफिनेटली सब कुछ मैनिफेस्ट होगा, इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, थोड़ा बहुत टाइमिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो डोंट थिंक मच, ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिविटी, है ना। तो अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचना अगर आप बंद करेंगे, उसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाएंगे ना, तो वो लेट गो बहुत ईजी हो जाएगा एंड वो जल्दी मैनिफेस्ट भी हो जाएगा, राइट। सो फिलहाल यही था इस वीडियो में, मैं यही चीज़ आपको बताना चाहती थी लेट गो कैसे करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।